हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से जयपुर जंक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में। बताऊंगा मैं आपको कितनी वायरिंग का काम हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 पर, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर जंक्शन के यार्ड में टुवर्ड्स कनकपुरा कितना काम हो चुका है वायरिंग का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 27 सितंबर वाली वीडियो में बताया था, वो जो अपडेट था 27 सितंबर वाली वीडियो में, वो 22 तारीख का अपडेट था, मतलब 22 सितंबर का था। तो 22 सितंबर तक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 पर वायरिंग का काम नहीं स्टार्ट हुआ था। और ये जो अपडेट है मैं आज आपको देने वाला हूँ, ये है 7 अक्टूबर का अपडेट, यानी कि कल ही का ये अपडेट है। तो बताता हूँ मैं आपको कि कितना काम हो चुका है वायरिंग का जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म्स पर। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है वायरिंग तो हो चुकी है, वो तो बहुत पहले ही हो चुकी थी वायरिंग, लेकिन जो वायर यहाँ पे लगाए गए हैं, वायरिंग हुई है यहाँ पे, ये अभी तक प्रॉपर नहीं हुई है, मतलब कि आप क्लिप वगैरह नहीं लगाई गई है प्रॉपर वायर्स पे, और इनको बस ऐसे ही यहाँ पे कैटनरी वायर्स से कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टिंग वायर्स को, इसको अभी तक यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया गया है। और अभी हम देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर वायरिंग नहीं हुई थी 22 सितंबर तक, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर वायरिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी वायरिंग अभी प्रॉपर नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पे वायरिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी है। OHE इक्विपमेंट्स जो हैं, मतलब OHE के वो जो उपकरण होते हैं, वो लगाने बाकी हैं यहाँ पे। सेम केस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 का है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में आपको बताने के लिए, बस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो काम 22 सितंबर तक नहीं हुआ था, वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 और जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड वाली लाइन है, वहाँ पर प्रॉपर वायरिंग का काम हो चुका है। प्रॉपर वायरिंग का काम नहीं हुआ है, बस वायरिंग का काम हो चुका है। और आप देख सकते हैं इन फोटोज़ में और कुछ वीडियोज़ में आपको पता चल ही जाएगा कितना कितना काम हुआ है यहाँ पे वायरिंग का। तो ये जो फोटो है वो अभी फोटो ब्रिज से ली गई है, और ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जो 2 लाइनें जाती है उनकी फ़ोटोज़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग का काम हो चुका है। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। तो ये जो वीडियो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैटनरी वायर्स से कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करने के लिए जो ड्रॉपिंग वायर लगाई जाती है, उन ड्रॉपिंग वायर्स को अभी तक ठीक से यहाँ पे नहीं लगाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनको बस ऐसे यहाँ पे अटका दिया गया है, और इसको बाद में जो है एडजस्ट करेंगे ये लोग वर्कर्स जो हैं। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 3 के बीच में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से फोटो ब्रिज के ऊपर से दिख रहा है प्रॉपर आपको कि कितनी वायरिंग हो चुकी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। इसके बाद जो है आपको मैं लेके चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जो लाइन है, वहाँ पे भी वायरिंग का काम हो चुका है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, मतलब कि जो ड्रॉपिंग वायर्स उनको ठीक से लगा दिया गया है यहाँ पे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के दूसरे एंड पर। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो में, यहाँ पे भी जो है ड्रॉपिंग वायर्स को बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि जो गांधीनगर वाला एंड है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का, वहाँ पे ड्रॉपिंग वायर्स को ठीक से नहीं लगाया गया है, लेकिन जो कनकपुरा साइड वाला एंड है वहाँ पे ड्रॉपिंग वायर्स को ठीक से लगा दिया गया है। तो इन सब के बाद जो है प्लेटफॉर्म की वायरिंग अपडेट के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर जंक्शन का जो मेन यार्ड है कनकपुरा साइड वाला, उधर कितना काम हो चुका है वायरिंग का। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो है ये ट्रेन डिपार्चर ले रही है, और जो साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2A है वहाँ पर भी वायरिंग का कंप्लीट काम यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे आप आगे चल के साइड में देखेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो है OHE वैन यहाँ पे खड़ी हुई है एक, और इस OHE वैन की हेल्प से कनेक्टिंग वायर्स और कैटनरी वायर्स की लेवलिंग का काम किया जाता है, ड्रॉपिंग वायर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, और जो OHE इक्विपमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे OHE वायर्स में इंस्टॉल किया जाता है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर प्रॉपर वायरिंग आपको दिख रही होगी, वहाँ पर जो है कैटनरी वायर्स और कनेक्टिंग वायर्स पे क्लिप वगैरह लगाए जा चुके हैं सब जगह पे। मतलब अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड की तरफ यहाँ पे वायरिंग का कंप्लीट काम हो चुका है, प्रॉपर काम हो चुका है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे आप देखेंगे कि जो पोल्स हैं, पोल्स पे जो स्टेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स हैं, तो स्टेट ट्यूब्स जो है उनको तो कैटनरी वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन जो ब्रैकेट ट्यूब्स हैं उनको कनेक्टिंग वायर से यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया है अभी तक। जो एक ब्रैकेट ट्यूब से आर्म निकली हुई होती है जो कनेक्टिंग वायर्स को होल्ड करके रखती है, उसको अभी तक यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ स्टेट ट्यूब्स को ही कैटनरी वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है।
अगर आपको नहीं पता हो तो स्टे ट्यूब जो होती है वो ऊपर कैटेनरी वायर्स को होल्ड करके रखती है और ब्रैकेट ट्यूब जो होती है वो नीचे वाली ट्यूब होती है और वो कनेक्टिंग वायर्स को होल्ड करके रखती है। आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जयपुर जंक्शन पे जो यार्ड है वहाँ पे वेट लटकाने का काम चल रहा है। ओएचई वायर्स के एक तरफ यहाँ पे वेट लटकाया जाता है क्योंकि वो जो है ओएचई वायर्स में टेंशन को मेंटेन करके रखता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो वेट लटकाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो पुलिस वगैरह होती है इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओएचई वायर्स को जो है ग्रिड सब स्टेशन से यहाँ पे कनेक्ट किया जा चुका है। आइसोलेटर्स वगैरह इंस्टॉल हुए हैं या नहीं ये मुझे अभी तक नहीं पता है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो शंटिंग लाइन है उधर भी ओएचई वायर्स का पूरा काम हो चुका है, मतलब वायरिंग का कम्प्लीट काम हो चुका है। इसके बाद आई थिंक जो 20 अक्टूबर तक है मेरे ख्याल से यार्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और ओएचई वायर्स वगैरह इंस्टॉल करने का काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि कब तक यहाँ पे CRS इंस्पेक्शन हो पाता है। मेरे ख्याल से तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में CRS इंस्पेक्शन की डेट आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको दूंगा 18 अक्टूबर को, नेक्स्ट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि OHE इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया गया है या नहीं और प्लेटफॉर्म पर जो पोल्स की ग्राउंडिंग का काम है वो हुआ है या नहीं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट में जरूर से पूछें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए जयपुर जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।